सदर प्रखंड के नावागढ़ पंचायत अंतर्गत कोने गांव के चार बाल श्रमिक सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के अथक प्रयास से मुक्त हुए। सभी बाल श्रमिक मुक्त होने के बाद यूपी के बिजनौर से लातेहार पहुंचे, जहां सीडब्ल्यूसी के सदस्य शकील अख्तर एवं रमेश मिस्त्री ने उन्हें उप विकास आयुक्त सुरेंद्र कुमार वर्मा से मिलाया। इस दौरान बाल श्रमिकों ने उप विकास आयुक्त श्री वर्मा को अपनी बात आप बीती बताई, जिस पर उप विकास आयुक्त श्री वर्मा ने मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। सदर प्रखंड के नावागढ़ पंचायत अंतर्गत कोने गांव के चार बाल श्रमिकों अक्टूबर 2020 में रांची के भीम मोची के द्वारा यूपी के बिजनौर भेज दिया गया था, जहां सभी बाल श्रमिकों को गन काटने का कार्य कराया जाता है। इसकी जानकारी बाल कल्याण समिति के सदस्य शकील अख्तर एवं रमेश मिस्त्री को हुई, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना तत्काल यूपी के बिजनौर सीडब्ल्यूसी को दी एवं पुलिस की सहायता से सभी बाल श्रमिकों को मुक्त कराया एवं यूपी से उन्हें लातेहार भेजा। रांची सोर्स का भीम मोची करता है बच्चों को बाल मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में भेजने का काम। रांची सोर्स निवासी भीम मोची बाल मजदूरों के लिए बच्चों को दूसरे राज्यों में भेजने का कार्य करता है। भीम के माध्यम से ही बच्चे दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं एवं जहां उन्हें काम करवाया जाता है। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।